तो देश के मेंटर अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हैं। हर फैमिली में, मैं फॉर्चुनेट था, मुझे मेरे बड़े भाई मिल गए, लेकिन हर फैमिली में उतना वेल आर्टिकुलेट, वेल इन्फॉर्म्ड या वेल एनालिटिकल स्किल से कोई बंदा नहीं होता है। वहां एक मेंटर की जरूरत है, आज इसीलिए ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। तो मुझे तो मेरे बड़े भाई मिले, लेकिन हर बच्चे को बड़े भाई या बड़ी बहन के रूप में एक मेंटर मिल जाए, ये हमारे इस प्रोग्राम की कोशिश है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। मेंटर्स का रोल क्लैरिटी देने के लिए और ग्राउंड रखने के लिए सर बहुत जरूरी है। मैं सर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेंटर्स का सर उनके जीवन में जो रोल रहा है उसके बारे में बताएं सर। मेरे जीवन में तो मेंटर का नीड बहुत ज्यादा थी, मगर सही वक्त पर, सही मौके पर कोई ऐसा मेंटर मिला नहीं था। मुझे तो मेरे टीचर्स को ऊपर ही, जितना टाइम वो दे पाए थे उसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। खास करके जब टेंथ के बाद जो पड़ाव आता है, उस वक्त मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ और कर्नाटक के एक रिमोट गांव से हूँ, तो मुझे ऐसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होने के नाते मेरे घर में और नेबरहुड में भी ऐसी कोई जानकारी देने वाला कोई नहीं था। तो मुझे इवन सातवीं पास होने के बाद भी, मुझे करना क्या मुझे पता नहीं था। सातवीं पास होने के बाद स्कूल में मैंने टीचर को पूछा और आगे क्या करना है, जो उन्होंने जब मार्क कार्ड हमें दिया तो उन्होंने पूछा क्या आप हाईस्कूल जाना चाहते हो। हाँ सर, मैं हाईस्कूल जाना चाहता हूँ। वो बगल वाला जो हाईस्कूल है वहाँ टाउन में, वहाँ जाके वहाँ आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म भर के वहाँ दे दो, अपने माता को लेके जाना, तब आपका एडमिशन मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट दी मेंटरशिप बिगन विद। उसके बाद जब मुझे, जैसे जो सीएम सर ने कहा, टेंथ के बाद आपको क्या स्ट्रीम लेनी होती है, तो फ्रैंकली टू टेल यू, मुझे उसके बारे में ना कोई जानकारी थी, ना किसने गाइड किया। वही एक ही, वहाँ कोई दो ही स्ट्रीम अवेलेबल थे उस गांव में, दैट इज आर्ट्स एंड कॉमर्स, एंड एवरीबडी यूज टू से द कॉमर्स इज बेटर, सो आई वेंट एंड टुक द कॉमर्स, दैट इज व्हाट इट हैपन्ड। सो देयर आफ्टर ऑफकोर्स जिंदगी ऐसे ही चली। सो देन कई टीचर्स लोगों ने मुझे गाइड किया, देन आई टू ज्वाइन, देर वॉज एन ओकेशन टू ज्वाइन द BSF एस एट दी एंट्री लेवल इन द BSF, क्योंकि हमारे साथ बच्चे लोग काफी, जो स्टूडेंट्स थे, दे वेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन द रिक्रूटमेंट ड्राइव, एंड टू और थ्री गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो, बट आई डिड नॉट गो बिकॉज दैट आई वॉज नॉट अवेलेबल इन द हॉस्टल, I had gone for some other function. So I felt so bad. Everybody was feeling so bad. Agar tum bhi jaate, tumhara bhi selection hota. But one of the teachers told me, you are a meritorious student. You can study further and go ahead. You don't worry that you are not been selected. So that was the real mentorship that I got, that I can, he gave me the hope that I can study and thank go you, ahead. Sir. Thank you so, so that much. That is all. Thank you. Thank you, sir. Saloni ma'am bhi hamare saath hain. आपके जीवन में मेंटर्स रहे होंगे डेफिनेटली, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जल्दी से? हेलो, तो मतलब सबने मेरी उम्र देख के शायद ये अंदाजा लगाया कि इसकी लाइफ में मेंटर रहा होगा, हमारी में नहीं, बट मेरी में भी कोई नहीं रहा। मुझे स्कूल टाइम से एक ये चीज तो थी, मुझे क्या बनना है ये मुझे 12th स्टैंडर्ड तक नहीं पता था, लेकिन मुझे क्या पढ़ना है ये मुझे पता था। 6th क्लास में हमें एक असाइनमेंट मिला था, छोटी सी स्टोरी मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। उसमें हमें स्प्राउट्स उगाकर लेकर जाने थे, साइंस एक्सपेरिमेंट था। तो मैंने मम्मी को बोला नहीं ये मैं ही करूंगी खुद से, मम्मी ने बोला था नहीं मुझे आदत है मैं कर दूंगी। अब मैंने उसमें कुछ पानी ज्यादा डाल दिया, मेरे स्प्राउट्स नहीं उगे। तो तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे साइंस नहीं पढ़नी है 12th स्टैंडर्ड में, अभी तो मजबूरी है 10th तक पढ़नी पड़ेगी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगी, इतना मुझे पता था। पर मुझे ये गाइड करने के लिए कोई नहीं था कि आप ये पढ़कर आगे क्या करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हो। मेरे शहर में भी, सर के शहर में कॉमर्स और आर्ट्स था, मेरे शहर में सिर्फ कॉमर्स और साइंस हुआ करती थी, आर्ट्स ऑप्शन था ही नहीं, और मुझे हमेशा से आर्ट्स ही पढ़नी थी। तो एक ये चीज भी, फिर मैंने सोचा साइंस तो बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी, तो मैंने कॉमर्स लिया, एटलीस्ट मैं इकोनॉमिक्स तो पढ़ पा रही हूँ, तो मैं उस चीज से खुश थी। बट फिर भी कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है। कॉलेज में जाकर मुझे फिर से स्ट्रीम स्विच करनी पड़ी, क्योंकि कॉमर्स तो मुझे पढ़ना नहीं था।
बट मैंने ये सोचा कि अगर पहले ही मुझे लाइफ में एक मेंटोर मिला होता, क्योंकि हमारे स्कूल ने इतना तो किया था कि करियर काउंसलर्स को बुलाते थे, अब उन्हें किसी किसी कॉलेज से पेमेंट मिला होता है, वो कॉलेज के बारे में बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, कॉमर्स पढ़ाए तो सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो आप बीकॉम करो या सीए बन जाओ। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आई फील बच्चों को पता ही नहीं होते हैं। ना मेरे पेरेंट्स दोनों ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्हें मेरे टाइम पर जितने करियर ऑप्शंस आ चुके हैं वो नहीं पता है। मुझे कार्टूनिस्ट बनना था लेकिन बचपन में मुझे किसी ने एनकरेज नहीं किया तो मैं वो आज नहीं बन पाई। बट एटलीस्ट एक टीचर थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरा मिमिक्री का टैलेंट पहचाना और उन्होंने बोला कि हाँ तुम ठीक है आगे जाके ये करना। बट तब मैंने ये सोचा कि मिमिक्री करके मैं क्या ही कर लूंगी। तो आई फील कि एक पर्सनल मेंटोर अगर आपके पास होगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे कि हाँ तुम जो कर रहे हो ठीक है, इसमें ये चीज हो सकती है, बट फिर भी वो आपको एक पॉजिटिव वे में गाइड करे, तो आई फील उससे बच्चों को बहुत हेल्प होगी। आई वुड लाइक, यही हमारा प्रयास है मैम कि हर बच्चे को प्लास सेंसर हमारे साथ है जिनके गानों से पूरी, जिनकी आवाज से पूरे देश झूमता है। सर वो कौन सी आवाज थी जो आपको गाइड की सर? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.